और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है सुबह में, और शाम के टाइम में मैं और दोनों बच्चे जो पढ़ने वाले वो सारा मैंने निकाल के रख दिया है, और यह सारा मेकअप का सामान, और ये रहा मेरा फुल लुक, फाइनल लुक। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये शाम का रग है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ यहाँ घाट पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पहुँच चुकी हूँ, और सभी यहाँ पे रिलेटिव्स एक जगह है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। छठ ऐसा पर्व है कि सारे रिलेटिव्स जो है साथ में मिलकर ये पर्व मनाते हैं, और मेरी जेठानी मेरे बगल में थी, साथ में यहाँ पे मुनि दीदी है, और यहाँ पे मुस्कान जी को मैंने मोबाइल दे दिया था, तो मैंने बोला था कि आप प्लीज़ वीडियो ले लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुस्कान जी छोटा सा क्लिप ले रही है, मेरा हेल्प कर रही है वो वीडियो लेने में। चलो हाय गाइस करो तुम लोग, मुझे टाइम वीडियो शूट करना है। हाय गाइस कीजिए, हाय गाइस कीजिए, हाय, अरे हाय गाइस कीजिए ना। एंड गाइस, अगर आप मेरा सारा वीडियो देखते हैं, प्रीवियस वीडियो देखते हैं, तो आपको पता होगा पिछले साल भी मैंने छठ का वीडियो शेयर किया था क्लिप, और सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत पसंद आई थी। तो सबसे बड़ी वाली जेठानी जो है मेरी, वही छठ का पर्व करती है। और सभी यहाँ पे मेरी जेठानी, देवरानी, सभी हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। यहाँ मेरी सारी डॉटर इन लॉज, और सुमन जी जैसा कि जानते हैं वो सबसे आगे में रहती है, सूप देती है, रखती है, उठाती है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम वो करती है। और यहाँ मुनि जिया जी, मुस्कान जी, लवर जी, मुझे जो बड़ी जेठानी थी उनके बेटे थे लवर जी, और बेटी थी मुस्कान जी, और उनका एक और बेटा है आलोक नाम है उनका। तो वो क्लिप मैं देखे वहाँ पे, मेरे जेठ जी के बगल में जो ब्लू चेक में शीर्षक बने हैं वो आलोक है, और लवर जी दोनों भाई हैं, साथ में मुस्कान जी है जो मुझसे बड़ी जेठानी है, उनके बेटा बेटी, और मेरे हस्बैंड सूप लेने में देने में हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ सुमन जी साइड में है कि वो ठीक से मतलब संभाल के दे, क्योंकि ये पर्व गाइस इतना मतलब संभाल के करने वाला है, इसमें छोटी सी गलती मतलब नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सोच समझ के ये पर्व जो है नियम से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, मेरे जितने भी इन लॉज वगैरह है, मतलब जितने मतलब मेरे डॉटर इन लॉज सन इन लॉज लगे वो सारा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरी भाभी वहाँ पानी में खड़ी है। और यहाँ पे सारे फैमिली वगैरह अर्घ देंगे अभी, जैसा कि जानते हैं कि सभी सूप को लेकर, मीन्स एक एक सूप को लेकर सूरज भवन के सामने इस तरह से घेरा लगाना, और फिर जल से अर्घ देना है, और फिर सूप को रखना है, फिर दूसरा सूप लेना है, इसी तरह से ये सारा प्रोसेस होता है शाम के टाइम में भी और सुबह के टाइम में। और बहुत कोई कम फास्ट, मतलब बहुत कम लोग फास्ट रखते हैं मतलब शाम के अर्घ में, और जो फास्ट रखते हैं वही अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट केला का घेरा भाभी उठा रही है, और फिर इस तरह से उसको भी गोल घूमकर सूरज भवन के सामने, फिर इसमें भी अर्घ पड़ेगा, और फिर ये रख देगी। और ये बहुत ज़्यादा भारी था, आप देख सकते हैं लवर जी और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर पकड़े हुए हैं, साथ में मुनि दीदी भी वहीं पे है, पिंटू जी है, और यहाँ पे खुशबू जी के हस्बैंड, सभी डॉटर इन लॉ मेरी, सभी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सब फैमिली मेम्बर्स मतलब इंजॉय करते हुए ये फास्ट मतलब फेस्टिवल, सॉरी फास्ट में बोली थी, फेस्टिवल मनाते हैं। और यहाँ पे मेरी जेठानी जीजा जी के साथ पोज दे रही है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना सूप, और डाला में दीप जल रही है, सारा सूप में जो डाला में अर्घ दिया जा चुका है, और बस कुछ देर के बाद हम लोग घर निकलेंगे। यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है आप देख सकते हैं, ये व्यूज गाइस रियल में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और सभी रिलेटिव्स जो है आसपास ही रहते हैं, इसलिए टेंशन नहीं रहती कि बच्चे कहाँ गए कहाँ नहीं गए।
और सभी ने जम कर मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, सेल्फी लिया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियो भी सब लिए, बहुत सारा रील्स बना, मतलब मत ही पूछिए। और यहाँ ये व्यूज़, यहाँ पर राष्ट्रिका ले रहा है, बड़ी भाभी का आशीर्वाद ले रहा है, और ये तो बहुत देर तक पानी में खड़ा था, कितना भी मना करने के बावजूद वो नहीं आ रहा था। यहाँ खुशबू जी बोल रही थी फ़ोटोज़ नहीं ले रही है, लेकिन मैं फ़ोटो लेते लेते सबका थक गई थी, बहुत सारा मैंने फ़ोटोज़ लिया है। और यहाँ सभी मेरी देवरानी वगैरह, जेठानी वगैरह, और ये राधा जी, मतलब इस बार ना सभी मेरी जेठानी की पांचों पांच बेटी है, तो पांचों बेटी आई हुई थी। और ये मेरे बगल वाली देवरानी, मेरे घर के जस्ट बगल में मेरी देवरानी है, तो वो बोली थी कि मैं इतना आवाज़ लगे आप सुन ही नहीं रहे थे कितना मैंने बुलाया था, तो मतलब फिर में आवाज़ नहीं आई थी, तो इसलिए मैं नहीं आई थी मिलने के लिए। वो मिलने के लिए छत पर से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन एक बार सुनाई नहीं पड़ा। और यहाँ पर अब जो है डाला में वापस से सूप सज रही है, और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सब डाला लेके जा रहे हैं, और एक डाला जो है मेरे हस्बैंड भी ले जाते हैं। वो शुरू से ना मतलब स्टार्ट जब से किए हैं, मुझे तो नहीं पता था कब से स्टार्ट किया, लेकिन वो अब तक ना मतलब हमेशा जो एक डाला वो लेकर जाते हैं आते हैं। और यहाँ लवर जी और आलोक जी दोनों हेल्प कर रहे थे डाला सिर पर रखने के लिए, और ये मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं, बोल रहे थे यहाँ पे कि आप आ जाइएगा साथ में। एक्चुअली मेरी तबीयत जो ठीक नहीं थी, तो मैं बाइक से आई थी, क्योंकि मुझे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि आप आ जाइए साथ में, तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब घाट में दीप अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह जल रही है, कैंडल वगैरह, तो हम लोग जा रहे हैं वापस से घर। और मैं बोली थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेकअप पे नहीं जाइएगा, मेकअप से अच्छा सा चेहरा जो है वो छुप जाता है। गाइस वीडियो बना रही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सैंडल लेके एकदम अच्छे से सैंडल रोड पे पहन के नया लेके आप रे बाप बीच में ये लगा क्या नया। See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.